हेलो फ्रेंड, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ये है जो मैंने कहा था, खजूर का पत्ता है और ये पाम संडे में मिलता है और यही हम लोग का स्पेशल होता है पाम संडे में। और ये चर्च से मिला है और ये सब क्रॉस है जो बना बना के फादर लोग सभी को देता है। और ये हम लोग अपना घर पे एक साल तक इसे हम लोग रखते हैं, और या आप लोग किसी को बांट भी सकते हो, पर जो बिलीव करता है उनके लिए, और क्योंकि इस पे होली स्पिरिट होता है। और ये है, मैं बनाया है जीसस का ड्रेस जो ईस्टर में ये पहना, मैं दिया है मम्मी को बना के और ईस्टर में ये पहनाएंगे, तब मैं आप लोगों को वो व्लॉग ज़रूर दिखलाऊंगी। बट एक हाथ में मोबाइल था ना, तो मैं अच्छा से खोल के मैं आप लोगों को नहीं दिखला पाई। बट देखो ये कलर कितना ब्यूटीफुल है, आई लव इट। और ये मैं खुद टेलर से ख़रीदा पीस और मैं अपना घर पे मेरा मशीन में मैंने बनाया। एज़ यूजल आप लोग देखा था कि क्रिसमस में मैंने किस तरह से जीसस का पर्दा बनाया था, उसी तरह से मैं अपना घर पे बनाया और ला के मम्मी को दे दिया कि सैटरडे इसको ऑल्टर में इसको पहना देना। और ये उसका फ़ोटो के ऊपर जो लगता है वो, तो आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा ना? कलर भी ब्यूटीफुल है। और इसी कई जैसा मैं ड्रेस बनाने दिया है, अभी तक नहीं आया, मैं ईस्टर में पहनूंगी, लेकिन अगर हो जाएगा तब मैं आप लोगों को ज़रूर दिखलाऊंगी। और आप लोगों को मैं दिखला रही हूँ बार बार, ये इसका है सेट। तो बस, और ये इतना ढेर सारा क्रॉस दिया है और मम्मी लेके आया था, मुझे दिया है, मैं देखूँ यहाँ अगर आसपास कोई है तो मैं उसे शेयर करूँगी ये क्रॉस। तो चलो, मेरी चाय बन रही है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह की चाय रेडी है जो मैं लेने वाली हूँ। और ये है मेरे क्रीम कैपर, मैं यही बिस्किट मैं लेती हूँ क्योंकि मुझे ना अच्छा लगता है, मुझे ज़्यादा मीठा वाला बिस्किट अच्छा नहीं लगता है। और दो चोटी बांध के सोई थी तो इसलिए हेयर कितना मीन्स कर्ली कर्ली हो गया। वैसे भी मेरा हेयर बहुत कर्ली है क्योंकि छोटा में ना मेरा हेयर ऑल पूरा राउंड राउंड शेप मीन्स ऐसी स्प्रिंग के जैसा हो जाता था, मीन्स ऐसी टानेगा फिर छोड़ेगा तो स्प्रिंग के जैसा फिर ऐसी हो जाता था, तो छोटा में ऐसे ही थी। तो आप लोग कैसे हो बताना, आप लोग का मॉर्निंग कैसे स्टार्ट हुआ ये भी बताना। और मेरा मॉर्निंग तो ऐसे ही स्टार्ट हुआ है और अभी सुबह के 8 बजा है और एक सिप तो बनता है आप लोग के साथ क्योंकि इसलिए क्योंकि कोई तो होना चाहिए। चाय के टाइम पे बात करते करते चाय पियो तो अच्छा लगता है, एकला एकला अच्छा नहीं लगता है। मैंने सब कोई मिल के, अगर जैसे होता है ना टी पार्टी, तो अच्छा लगता है। तो बस अभी 8 बजा है, तो सुबह को मैं उठा था 6 बजे, तो आयुष 7:30 बजे ट्यूशन जाता है, तो उसके आगे बेड कवर, कुशन कवर, पिलो कवर सब कुछ हम धोया। और मैंने जैसे कि आप लोगों को कहा कि प्रॉब्लम है, तो इस हाथ से ना मुझे इतना काम करना पड़ता है, बट आई थैंक टू माय गॉड जो मेरा बहुत हेल्प करता है, सब काम भी हो जाता है। आप लोग प्रे ज़रूर करना मेरा उंगली अच्छा हो जाए क्योंकि एक हाथ से काम ना अच्छा नहीं होता है। तो कल 1 तारीख है और फ्राइडे है, गुड फ्राइडे, जो चर्च जाऊंगी। देखिए मेरा दिल था मेरा पार्क स्ट्रीट चर्च जाने का, अब वो हो पाएगा कि नहीं मैं नहीं जानती, कोशिश ज़रूर करूंगी, अगर बुलावा आया तो ज़रूर जाऊंगी। कहते हैं ना चर्च और भगवान का स्थान
खुद पावरफुल होता है, अगर आपको बुलाएगा तो आप ज़रूर जाओगे, दर्शन तो ज़रूर होगा। लेकिन ये जो है ना, ये जो फोरहेड है ना, किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। मैं समझती हूँ कि शायद मैं बहुत अनलकी गर्ल हूँ, मैं जा ही नहीं पाती हूँ। दिल्ली गया था, तो दिल्ली में एक चर्च है, मैंने तो तब तो मेरा ये व्लॉग स्टार्ट नहीं हुआ था, तो दिल्ली जाने आने के बाद मैंने ये स्टार्ट किया। तो दिल्ली गया था, दिल्ली में एक चर्च है, छोटा ही चर्च है, चर्च बहुत बड़ा बड़ा है लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, दिल्ली में छोटा छोटा चर्च होता है। लेकिन हम लोग जो चर्च में गया था वो चर्च बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ से हम लोग ये तो मेरा मामा दिल्ली से ही भेजा है ये वाला, ये दिल्ली से सभी का नाम से फादर को ब्लेसिंग लेके भेजा है। और ये मैं पहले नहीं पहनती थी, बट अभी मैं पहनती हूँ ये वाला, सब टाइम रहता है। चाहे मैं कोई बड़ा मीन्स शादी में भी जाऊँ तो मैं नहीं उतारना चाहती, क्योंकि ये खुद से ही ऐसा लगता है कि ओ अभी शादी में जाओगे तो ये उतार दोगे, तो मैं दिल से ही मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मैं नहीं उतारूँ। तो देखी गुड फ्राइडे के दिन चर्च जाऊँ तो आप लोग का आशीर्वाद हुआ तो ज़रूर जाऊँगा। और अगर पार्क स्ट्रीट चर्च नहीं गया, क्योंकि पार्क स्ट्रीट मेरा बहुत मेमोरेबल जगह है, क्योंकि वहाँ मैं पली बड़ी हूँ, मेरा स्कूल वहाँ का था, एसएमयू गॉड चर्च, मेरा सब फ्रेंड, मैं वहाँ का चर्च बहुत जाती थी। आई मिस अ लॉट पार्क स्ट्रीट, पार्क स्ट्रीट सब टाइम मैं जाना चाहती हूँ। और मेरा पार्क स्ट्रीट में मेरा सब फ्रेंड है, कभी भी मैं गया मेरा फ्रेंड का घर तो मैं आप लोग को ज़रूर मिलाऊँगी। और देखिए चर्च जा पाऊँ तो बहुत मैं लकी, अपने आप को लकी समझूँगी अगर पार्क स्ट्रीट गया, और अगर नहीं भी गया तो मैं बाजुनी चर्च जाऊँगी। तो देखिए देखते हैं, तो चलो आप लोग से बाद में मिलते हैं चाय के बाद। चलो आज मैं थोड़ा से मैदा है उसका मालपुआ बनाऊँ। चलो तो चाय के साथ मैं अपना मालपुआ बना रही हूँ। तो इसमें मैदा दिया है, दूध थोड़ा से था तो इसमें मैदा दिया है, और ये मैं दिखला रही हूँ एक एक करके, ये है काजू बादाम, और ये है सूजी, और वो पाउडर दूध था, और दूध के में ही मैं मैदा डाल दिया था और उसको अच्छा से हिलाया, और हिलाने के बाद और ये सूजी डाल रही हूँ, और थोड़ा सा ही था तो मैंने सोचा ये हो जाएगा तो बच्चे लोग को भी मेरा आयुष पढ़ के आएगा तो शाम का टाइम में ये मालपुआ बना के दूंगा तो वो लोग का थोड़ा नाश्ता भी बन जाएगा। तो ये काजू बादाम का डस्ट है जो बना के रखना पड़ता है, तो मैं ये गुड़ा दूध है और काजू बादाम का डस्ट जो थोड़ा से था मैं सब डाल ऐड कर दिया, और ये वाला जो है ये हनी है, तो शुगर ऐड तो ऑब्वियसली होता ही है तो उसके साथ मैं थोड़ा से हनी ऐड किया है। तो आप लोग भी दे सकते हो या इग्नोर भी कर सकते हो। और ये है शुगर जो इसका अलग ही फ्लेवर होता है, जो अगर हनी ऐड किया तो बस अच्छा सा मिठास का एक अलग ही एक स्वाद होता है हनी का। तो इसको मैं अच्छा से मिला के, और मैं बेकिंग पाउडर भी दिया है थोड़ा से, आप अंदाज से आप लोग दे देना, क्योंकि मैं इसका अंदाज में आप लोग से बता नहीं सकती क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता। मैं थोड़ा से एक चिमटी दिया है और इसको अच्छे से ढक के रख दिया, तो ढकने के मैं आधा घंटे बाद मैं इसका मालपुआ बना रही हूँ। तो डिप ऑयल रिफाइंड ऑयल में मैं नहीं किया, थोड़ा से ही ऑयल में किया था क्योंकि थोड़ा से कम ही तेल था। तो ये देखो मेरा मालपुआ, और अच्छा ही बनता है, टेस्टी भी हुआ था बहुत। अब मैं चीनी थोड़ा कम ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा चीनी मीठा, ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं है। जैसे कि मुझे रसगुल्ला बहुत पसंद है, बट कोई भी जैसे चा में मालपुआ में थोड़ा से ही मैं मीठा देती हूँ। और ये पहला वाला जब मैं डाला था ना
तो पहला ना अच्छा से नहीं बना था, तो उसका ही यही वाला फर्स्ट नज़ारा है, आप लोग इसको देख के इग्नोर करना। और उसके बाद वाला जो जो हुआ छोटा छोटा शेप में किया था तो बहुत बढ़िया बना था, तो आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनता है। और बहुत इसमें इतना कुछ ऐड होता है, इसमें बहुत पुष्ट है, बहुत विटामिन है, और आप बच्चे लोग भी स्वादिष्ट गरम गरम देना तो और भी अच्छा से ही बच्चे लोग को अच्छा लगता है। मेरा बेटा तो दो टो पहले ही उड़ा दिया था, खा लिया था, तो सचमुच बहुत टेस्टी बना। लेकिन मैं नहीं खाती क्योंकि मुझे गैस का प्रॉब्लम है, तो बस एसिडिटी हो जाता है, तो थोड़ा से खाया था बस। मैं ये बनाया था मैं अपना आयुष के लिए, और शिवली भी खाया था, और मेरा आयुष का जो दादा है छोटा उसको भी दिया था, तो बस, और मम्मी को दिया था बस, और कोई नहीं। क्योंकि मैक्सिमम 6 मालपुआ बना था तो उसमें शेयर किया, सभी को दिया, और मैंने ही खाई क्योंकि मुझे थोड़ा एसिडिटी का प्रॉब्लम है। थोड़ा टेस्ट ज़रूर किया था, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है बताना ज़रूर। अच्छा लग रहा है ना, गोल गोल शेप, कुछ अलग ही लग रहा है, मालपुआ तो नहीं लग रहा है। मैं चाहूँ तो उसको, आप लोग चाहो तो चीनी का रस बना के भी ये गरम गरम ढाल देना, तो बस अच्छा भी टेस्ट होता है। लेकिन मैं इग्नोर किया, मुझे चीनी पसंद नहीं है। नाउ इज़ अ 6 PM एंड आई वॉन्ट टू सिंग जीसस सॉन्ग। इट्स वेरी हार्ट टच टू मी बिकॉज दिस इज़ माई चैपल सॉन्ग एंड टुमारो इज़ अ गुड फ्राइडे। So I don't want to show off my song, but I want to sing a song and I want to do my video and I want to send you जो आप लोग के तक पहुँच सके मेरा ये गाना। और मैं इसकी कोई तारीफ सुनना नहीं चाहती हूँ, जस्ट आई वॉन्ट टू डेडिकेट, मीन्स आई वॉन्ट टू सिंग फॉर माई गॉड एंड आई वॉन्ट टू शो टू यू ऑल। सो प्लीज़ बी विथ मी। तो अगर अच्छा गाना हो तो ठीक है, और अगर अच्छा ना भी लगे तो प्लीज़ सुनना ज़रूर। तो चलो, किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइटियसनेस एंड ऑल दिस थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू, हालेलुया हालेलुया एंड सनी unto you, seek and he shall find, knock and it shall be open unto you, hallelujah, hallelujah. Shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Hallelujah, hallelujah. Your word is a lamp to my feet and a light for my path. If the sun shall set you free, you shall be free indeed. You shall know the truth and the truth shall set you free. Hallelujah, hallelujah. Trust in the Lord with all of your heart, and He shall direct your heart. In all your ways, acknowledge Him. Hallelujah, hallelujah. Here I am, I stand at the door and knock. If everyone hear my voice and open the door. ये जो गाना है ये मेरा स्कूल का लाइफ का गाना है। मैं स्कूल में जब जाती थी वो मेरा चैपल में ये गाना होता था, और बहुत ढेर सारा गाना है जो मेरा मेमोरेबल है, और मैं अभी ये गाना को जब याद करती तो आँख से आंसू निकल आता है। बट दिस काइंड ऑफ सॉन्ग जो होता है गुड फ्राइडे में आ जाता है, ऑब्वियसली ये सब गाना बहुत दिल को टच करता है। तो ये कोई दिखावा नहीं है, मैं आप लोग से ये शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोग भी इस टाइम पे, अगर आप लोग क्रिश्चियन हो तो आप लोग तो ज़रूर करते हो मुझे पता है, बट अगर आप लोग क्रिश्चियन नहीं भी हो, यू कैन आँख बंद करके गुड फ्राइडे के दिन आप लोग इतना ज़रूर प्रे करना कि इस दिन जीसस ने हम लोग के लिए अपना जान दिया था,
ओ मैं मीन्स हर क्रिश्चियन के लिए तो ये बहुत दुख का दिन ही होता है, बट कोई भी ये इसको ये चीज़ ये दिन को माने मान सकता है, फास्टिंग भी रख सकते हैं आप लोग, अगर चाहो तो आप लोग फास्टिंग भी रख सकते हो, जैसे कि मैं हर भगवान को मानती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं। तो बस आप सभी के लिए, अगर आँख बंद करके अगर आप प्रभु को कहीं भी बुलाओ तो भगवान ज़रूर आता है। तो चलो कल मिलते हैं आप लोगों को।